3 की लैंडिंग होगी और दूसरी तरफ लाइव प्रसारण इसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बच्चों को दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो स्कूलों में यहां पर लाइव प्रसारण शुरू होगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर सभी स्कूलों में लाइव दिखाई जाएगी लैंडिंग। लोक शिक्षा संचालनालय की तरफ से आदेश जारी हुए। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित थे कि 5:30 बजे से 6:30 बजे तक विशेष लाइव प्रसारण इसके लिए आयोजित किया जाए। लाइव स्ट्रीमिंग शिक्षा अधिकारियों को करने के निर्देश पहले ही जारी हो चुके थे। स्ट्रीमिंग के लिए संपर्क सभी स्टूडेंट्स से करना है, इस बारे में भी जानकारी थी। जो विद्यार्थी 23 अगस्त को लाइव स्ट्रीमिंग ना देख पाए उनके लिए कल यानी कि 24 तारीख को इसकी रिकॉर्डिंग भी दिखाई जा सके। तो तमाम तैयारियां भारत अपने स्तर पर पूरा कर चुका है। एक तरफ मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो बच्चों को यह ऐतिहासिक पल दिखाने की कोशिश शिक्षा विभाग की तरफ से उभर कर सामने आती हुई। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की व्यवस्था होगी। आज देखना होगा लाइव प्रसारण के दौरान चंद्रयान 3 किस तरह से लैंड करता है। बच्चों में इस बारे में उत्साह बहुत ज्यादा, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर पहले से आदेश जारी हो चुके हैं। और इसी तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में भी, चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का सीधा प्रसारण छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी दिखाया जाना है। स्कूलों में छात्रों को सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था पहले से कर ली गई है। 5:27 से प्रसारण शुरू होगा। स्कूलों में छात्र शिक्षक देख सकेंगे इस प्रसारण को। शिक्षा विभाग की तरफ से जिस तरह से हम बता रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक लाइव प्रसारण चंद्रयान 3 का लैंडिंग का जरूर दिखाया जाए। प्रसारण दिखाने की व्यवस्था करने के निर्देश है। कल यानी कि 24 अगस्त को सुबह भी स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए कहा गया है।